क्रिकेट वर्ल्ड कप अब बेहद रोमांचक बन चुका है। इस बार अफगानिस्तान की टीम ने जिस तरह का खेल दिखाया है उससे पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स और पूर्व क्रिकेटर बहुत ज़्यादा चौंके हैं। कारण है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में स्थिति बनी है, देश में जिस तरह के हालात हैं, उसके बावजूद एक छोटी सी टीम ने बड़े बड़े टीमों को शिकस्त दी है। आप देख सकते हैं, सोमवार को अफगानिस्तान की टीम ने श्रीलंका को करारी शिकस्त दी। श्रीलंका को इस वजह से जो है सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होना पड़ा। इससे पहले अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम को मात दी। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में या फिर क्रिकेट के किसी भी टूर्नामेंट में मजबूत टीम मानी जाती है, उस टीम को इस टीम ने आसानी से मात दी। अब अफगानिस्तान की टीम का जोश हाई है, पूरी दुनिया की उस पर निगाहें हैं, चूँकि अभी भी सेमीफाइनल का जो टीमों का चयन है वो अभी नहीं हुआ है। एक टीम बाहर हो गई, श्रीलंका बाहर हो गई, अभी टॉप फाइव है। टॉप फाइव में अफगानिस्तान के पास अभी भी मौका है खुद को सेमीफाइनल में इन करने का, सेमीफाइनल टीम का हिस्सा बनने का। अगर हम लोग पॉइंट टेबल पे नज़र डालें तो फिलहाल पहले नंबर पे टीम इंडिया है। टीम इंडिया ने 6 मैच खेले हैं, सभी मैचों में जीत मिली है। दूसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका टीम है, इस टीम ने 6 मैच में 5 मैचों में जीत हासिल की है। तीसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है, इस टीम ने 6 में 4 मैच जीते हैं, 2 मैच इनके हाथों से निकल गया है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया ने भी 6 मैच में 4 मैचों में जीत हासिल करके चौथे पायदान पर। अब आज का मैच भी निर्णायक साबित हो सकता है सेमीफाइनल को लेकर के, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। अगर कोई बहुत बड़ा अंतर होता है, रन रेट के हिसाब से चीज़ें तय हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि पॉइंट टेबल में बदलाव की गुंजाइश है, संभावना है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, जल्द हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप सुन रहे थे ये खास कवरेज हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार पर। और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हमारी पेशकश को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और जुड़े रहें हमारे साथ।